गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन सेशन में सभी का स्वागत है। इस सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि रेसेस क्या होती हैं और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि किस तरह से रेसेस को क्लासिफाई किया जाता है, वर्ल्ड ओवर मेजर रेसेस कौन कौन सी हैं और कौन कौन से उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जिनके आधार पर हम रेसेस को एक दूसरे ग्रुप से डिफर कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशल साइंसेज में ह्यूमन बीइंग की स्टडी एक मेजर कोर एरिया है। हमारी जितनी भी सोशल साइंसेज हैं वो सभी ह्यूमन एस्पेक्ट को, ह्यूमन बीइंग को सेंटर मानकर और बहुत सारी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एनालाइज करती हैं, उनकी स्टडी करती हैं। इसी क्रम में जो आज का सेशन है ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ का विषय है कि रेसिस क्या होती हैं, कैसे रेसिस ओरिजिनेट हुई और क्या एक पर्टिकुलर रेस की पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस सेशन में हम उन्हीं सारी एट्रीब्यूट्स की स्टडी करेंगे कि किस तरह रेसिस को क्लासिफाई किया जाता है, कौन से ज्योग्राफर्स ने किस तरह से रेस को क्लासिफाई किया है, किस तरह से देखा है और साथ ही साथ हम एक वर्ल्ड व्यू में ये भी देखेंगे कि रेसिस का डिस्पर्सल किस तरह का है, कौन सी रेस किस कॉन्टिनेंट में डोमिनेट करती है, क्या रेस के स्पेसिफिकेशंस हैं जिनके आधार पर वो दूसरों से डिफर करती है, उन एरियाज़ को डिलाइन करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर रेसिस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो चलिए आज की सेशन में आगे चलते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद आगे चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा हमने पीछे डिस्कस किया, हम देखेंगे कि ह्यूमन रेस एज अ कंसेप्ट क्या होता है। साथ ही साथ हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि धरती पर विभिन्न मानव प्रजातियों को यानी ह्यूमन रेसिस को किन किन आधारों पर क्लासिफाई किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धरती पर जो विशाल जनसंख्या है उसमें शारीरिक बनावट के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, हाइट और विभिन्न जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उनके आधार पर बहुत भिन्नता मिलती है। हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो विशाल जनसंख्या है वो धर्म, संस्कृति, भाषा, शरीर की बनावट आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित की जाती है। तो इस सेशन के माध्यम से हम देखेंगे कि रेस एज अ कंसेप्ट क्या होता है और कौन कौन से जो आधार हैं जिनके आधार पर हम प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धरती पर जनसंख्या जो है काफ़ी विस्तृत रूप में फैली हुई है, विभिन्न जलवायु प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जो जनसंख्या मिलती है। हमारी धरती पर जो जनसंख्या है उसमें बहुत सारी वेरिएशन है। वेरिएशन का एक आधार उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये पाया कि किसी एक खास जलवायु प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स एक स्पेसिफिक तरह के होते हैं और इन्हीं एट्रीब्यूट्स के आधार पर जब हम मानव को बांटते हैं तो उसको हम रेस कहते हैं। तो सबसे पहली प्रश्न यहाँ पे यही उठता है कि रेस किस तरह से क्लासिफाई की जाती है, मीनिंग क्या होता है रेस का। तो रेस, आप सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि रेस का जो बेसिक ओरिजिन है वो ह्यूमन बीइंग के फिजिकल एट्रीब्यूट से जुड़ा हुआ है जो बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता जाता है। अगर हम रेस शब्द की उत्पत्ति देखें तो रेस शब्द 1570 में सबसे पहली बार सामने आया। एक बुक थी, बुक ऑफ मार्टियर्स, जिसको ऐसा माना जाता है कि पहली किताब थी जिसमें रेस वर्ड का ओरिजिन हुआ। ये एक इटालियन वर्ड है जिसका अर्थ होता है परिवार, वंश या नस्ल। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारा आज का जो मॉडर्न कंसेप्ट है रेस, उसकी काफ़ी पहले शुरुआत हुई और धीरे धीरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो और साइंसेज हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन की बात की जाती है, सभी जगह इसको महत्ता दी गई। जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो एक बहुत ही फेमस ज्योग्राफर कोबर ने प्रजाति को डिफाइन करते हुए कहा है कि प्रजाति जो है एक एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट है जो मूल रूप से एक ऐसे समूह को दिखाता है जिसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स समान हैं और उनमें एक रूपता मिलती है, लेकिन रेस का कोई सामाजिक और सांस्कृतिक आधार नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि किसी रेस का व्यक्ति जो है वो अच्छा होता है या बुरा होता है। जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो
वेरी करती हैं, लेकिन रेस के अंदर जो निवासी होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स इस तरह के होते हैं कि उनमें समानता मिलती है। तो इस तरह हम कहते हैं कि रेस इज़ अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद कल्चर डेवलपमेंट और एनी अदर एट्रीब्यूट्स। तो आप समझ सकते हैं कि रेस जो है वो बायोलॉजिकली कंसेप्ट है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसकी उत्पत्ति हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स के क्लासिफिकेशन के माध्यम से करते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि धरती पर जो विभिन्न जो मानव समूह हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार की जलवायु मिलती है, और मानव शरीर जो है इन विभिन्न जलवायु प्रदेश में अलग अलग रूप से अडेप्ट होता है। इसकी अडेप्टेशन के कारण उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जलवायु की भिन्नता के कारण वो बदलाव हो सकते हैं, वो बदलाव हार्मोनल क्रियाओं के कारण हो सकते हैं, वो बहुत सारे चेंजेस इस तरह से हैं जो बायोलॉजिकली ड्रिवन है। इसी तरह हम जानते हैं कि मानव जो है माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरी जगह, इस माइग्रेशन के कारण भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। वर्तमान समय में यदि हम मानव जाति के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें और वहाँ पर रेसेस की बात करें, तो रेसेस में जो हमारी विभिन्न प्रजातियों के बीच में जो मिलाव हुआ है, जाति सम्मिश्रण हुआ है, उसके कारण भी हमारे रेसेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आते हैं। रेसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स समय के साथ बदलते रहते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि जलवायु एक प्रमुख तत्व है जो किसी भी जगह की, किसी भी जनसंख्या की जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स उसको निर्धारित करता है, बल्कि इसके साथ साथ प्रवास या बहुत सारे जो रिलेशनशिप हैं, मिक्सिंग है ब्रीड्स की, रेसेस की, उसके कारण भी बहुत सारे बदलाव आते हैं समय के साथ। जब हम ओरिजिन की बात करते हैं कि रेस कहाँ से ओरिजिनेट हुई, तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है और विभिन्न जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या सोशल साइंटिस्ट हैं उनके बीच में एक मत नहीं है कि किस प्रकार रेस जो है वो ओरिजिन हुई। हम अपनी स्टडी के दौरान ऐसा पाते हैं कि जो ग्रिफिथ टेलर के विचार हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच में और जो हमारे ज्योग्राफर्स हैं उनके बीच में। ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि जो रेसेस हैं, सारी रेसेस की ओरिजिन एक ही जगह हुई, दैट इज़ डिफाइंड एज अ कार्डल लैंड। और यहाँ पर ये जो कार्डल लैंड था, ये था सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में विभिन्न जो हमारी रेसेस हैं वो ओरिजिनेट हुई और धीरे 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 वो बाहर की तरफ माइग्रेट करती गई, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जगह पर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो रिसोर्सेज उस ज़माने में, यदि हम रिसोर्सेज की बात करें, तो फूड, फॉडर एंड वाटर जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज थे, उनकी तलाश में वो आउटवर्ड माइग्रेट की। आउटवर्ड माइग्रेशन के बाद जब वो एक जलवायु प्रदेश से दूसरे जलवायु प्रदेश में गए, तो उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स में, उनके कलर में बहुत सारे बदलाव हुए। तो इस तरह ग्रिफिथ टेलर ने ये बताया कि हमारी जो रेसेस हैं वो सेंट्रल एशिया में ओरिजिनेट हुई और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप माइग्रेशन के कारण वो विश्व के अन्य प्रदेशों में पहुंची, और जब वो एक जलवायु प्रदेश से दूसरे जलवायु प्रदेश में गए तो उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आए, और इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर आज रेशियल डिफ्रेंशिएशन, रेशियल वेरिएशंस मिलते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने जो हमारी रेसेस के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी, जिसको हम जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी के रूप में देखते हैं, जिसमें ये बताया गया कि किस प्रकार रेस का ओरिजिन हुआ और प्रेजेंट डे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से पाया जाता है। ये आपके सामने एक बहुत ही अच्छा मैप है जो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा लिखी गई किताब से लिया गया है। आप इसको देख सकते हैं कि इसके सेंट्रल एरिया में जो ये एरिया है, इसको कार्डल लैंड कहा गया, जहां रेसेस की इनिशियल ओरिजिन हुई और यहीं से रेसेस आउटवर्ड माइग्रेट हुई डिफरेंट डायरेक्शंस में, और आज रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफ़ी वास्ट लेवल पर मिलता है। हम यदि इंडिया और जो साउथ ईस्ट एशिया है उसकी बात करें, तो कई बार ऐसा माना जाता है कि रेसेस किस तरह साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं, आइलैंड नेशंस हैं, वहाँ पहुँची। तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के माध्यम से कि जो रेसेस आई वो इंडिया होते हुए साउथ ईस्ट एशिया में गई, इसीलिए जो इंडिया है और जो साउथ ईस्ट एशियंस हैं उनमें काफ़ी रेशियल सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स में काफ़ी होमोजेनिटी मिलती है।
तो जब हम रेसिस को बांटते हैं तो रेसिस के बांटने का वर्गीकरण के दो मूल आधार होते हैं। एक वो जो बाहर से दिखाई देते हैं, ऐसे फिजिकल एट्रीब्यूट्स जिनको हम विजिबली देख सकते हैं, इसमें कलर आता है जो बाहर से ही आइडेंटिफाई होता है। इसी तरह कुछ इंटरनल जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें जो हमारे सेल्फिक इंडेक्स है या जो हमारे स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो सारे आते हैं, उसको भी हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, रेशियल क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो प्रमुख तत्व हैं जिनके आधार पर हम रेसिस को बांटते हैं, उसमें कलर ऑफ स्किन, सिर की बनावट, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो, हाइट, हेयर टेक्सचर के हमारे बाल किस तरह के हैं, बालों का थिकनेस कितनी है, उसके कर्वेचर कैसा है, इसी तरह हमारा फेस, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, फेस है उसकी बनावट कैसी है, और इसी तरह नेसल इंडेक्स भी हम यूज़ में लाते हैं रेसिस के क्लासिफिकेशन के लिए। तो जहाँ तक सबसे पहले एट्रीब्यूट की बात करें, तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है बालों की बनावट। हम सभी जानते हैं कि जो लोग होते हैं उनमें हर व्यक्ति में अलग तरह के बाल होते हैं, लेकिन एक रेशियल ग्रुप में जो सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई की गई कि भाई वहाँ की जलवायु और जो उनकी डाइट्री हैबिट है उसके आधार पर रेसिस किस तरह के उनमें बाल मिलते हैं। तो कुछ रेसिस ऐसी हैं जिनके जो बाल होते हैं स्ट्रेट होते हैं, कुछ के स्मूथ एंड वेवी होते हैं, और इसी तरह कुछ के वूली एंड जो कर्व्ड होते हैं, कर्वी होते हैं हेयर्स। इस तरह से रेसिस को हम बालों के आधार पर भी क्लासिफाई करते हैं। बालों के आधार पर क्लासिफिकेशन में हेडन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। हेडन ने विभिन्न जो रेसिस हैं उनको बालों के आधार पर क्लासिफाई किया है। अब यदि हम देखें तो जो रेसिस सीधे बाल वाली हैं उनमें ज़्यादातर चीनी, मंगोलियन, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले जो हमारे पॉपुलेशन जो हैं वो मूल रूप से हैं। इसके अलावा यदि स्मूथ एंड वेवी हेयर वाय में देखें तो जो वेस्ट एशिया है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये मूल रूप से वो देश हैं जहाँ पर इस तरह की रेसिस मिलती हैं जिनके स्मूथ एंड वेवी हेयर होते हैं। इसी तरह आप यदि लास्ट में देखें तो कुछ ऐसी रेसिस होती हैं जो वुली और कर्वी हेयर वाली होती हैं, जिसमें निग्रो या निग्रोटो रेस से जुड़े हुए लोग आते हैं। आगे यदि देखें तो हम स्ट्रेचर के आधार पर भी रेस को क्लासिफाई करते हैं। कुछ रेसिस ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी हाइट वाली होती हैं, जो वेरी शॉर्ट इन नेचर होती हैं, जनरली इनको हम 148 सेंटीमीटर टू 158 सेंटीमीटर तक क्लासिफाई करते हैं। कुछ मीडियम हाइट वाली होती हैं जिसमें 159 टू 168 हाइट वाली होती हैं, जिसमें मूल रूप से जो हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग शामिल होते हैं। इसी तरह कुछ रेसिस को हम टॉल मानते हैं जिसकी हाइट 169 सेंटीमीटर टू 172 सेंटीमीटर होती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया या हमारे साउथ एशियन जो पॉपुलेशन है उसके एट्रीब्यूट्स इस तरह के मिलते हैं। वहीं जो सबसे टॉलेस्ट होते हैं, जो वेरी टॉल में क्लासिफाई होते हैं 172 सेंटीमीटर एंड अबव, ये वो रेसिस होती हैं जो हमारे सेंट्रल एशिया में जैसे अफगानी हैं ये लोग मिलते हैं। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और जिसके कारण इनकी रेस में ऐसा माना जाता है कि इनका स्ट्रक्चर काफ़ी लंबा होता है, वेरी टॉल में क्लासिफाई किए जाते हैं। इसी तरह हम फेस के शेप के आधार पे भी क्लासिफाई करते हैं रेसिस को। कुछ रेसिस ऐसी होती हैं जिनका चौड़ा मुंह होता है, इसी तरह कुछ मध्यम और कुछ लंबे मुंह वाली रेसिस होती हैं जिनको आप देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके जो मुंह है, जो फेस है, उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप कैसी आ रही है। इसी तरह एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है सिर, यानी सर का जो इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं जिसको सेल्फिक इंडेक्स कहते हैं। आप देखेंगे ग्रिफिथ टेलर ने इस इंडेक्स को लेकर वर्ल्ड ओवर रेसिस का क्लासिफाई किया है, जिसको हम आगे इसी सेशन में देखेंगे। आप यहाँ पाएंगे कि कुछ रेसिस होती हैं जिनका सिर लंबा होता है, जो 75 सेंटीमीटर से 75 सेल्फिक इंडेक्स से अधिक होता है। वहीं कुछ मीडियम होती हैं जिनका सेल्फिक इंडेक्स 75 टू 80 होता है, और वहीं कुछ ऐसी होती हैं जिनका सेल्फिक इंडेक्स इससे भी
ज़्यादा होता है, यानी 80 होता है, तो रेसिस को उनके सिर के साइज के आधार पे क्लासिफाई कर किया जाता है, जिसको सेल्फिक इंडेक्स कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ग्रिफिथ टेलर ने इस सेल्फिक इंडेक्स को आधार मान के विश्व में विभिन्न रेसिस को आइडेंटिफाई किया है, क्लासिफाई किया है। इसी तरह सेल्फिक इंडेक्स की तरह ही नेसल इंडेक्स भी कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें नाक की साइज को देखकर हम रेस के ग्रुप को और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लासिफाई करते हैं, संकरी नाक वाले, मध्यम नाक वाले और चौड़ी और चपटी नाक वाले रेशियल ग्रुप्स में। तो जब हम इन बहुत सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स को देखते हैं जो रेशियल ग्रुप्स को सेग्रीगेशन करने में मदद करते हैं, तो उसके आधार पर हम रेसिस को बहुत सारे हिस्सों में बांटते हैं। आज हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो इन रेशियल ग्रुप्स में सेग्रीगेशन किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले निग्रीटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलियाड, मेडिटेरियन, नार्डिक्स, मंगोलियन एंड अल्पाइन प्रमुख हैं। हम इस सेशन में ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की रेस के क्या फिजिकल एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, ताकि आपको भी जब क्वेश्चन आए तो आप आराम से लिख पाएं कि इस रेस के इस तरह के फिजिकल एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। रेसिस की जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि रेसिस विभिन्न प्रकार की होती है, तो उसमें कलर, जो स्किन कलर है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट यार्डस्टिक है। और आप देखेंगे कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाइबल जो एट्रीब्यूट है, जिसके आधार पर आप रेस का क्लासिफाई कर सकते हैं, वो होता है कलर। और कोबर द्वारा सबसे पहली बार रेस के आधार पर क्लासिफिकेशन दिया गया। पहली रेस है जो श्वेत वर्ण वाले होते हैं, जिसको श्वेत प्रजाति या काकेशियाड कहते हैं। ये मूल रूप से विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वो लोग होते हैं जो यूरोप में या अमेरिका में, इनका जो काकेशियस पर्वत है वहाँ से ओरिजिन माना जाता है, क्योंकि ये ठंडे होते हैं, ठंडे जलवायु वाले प्रदेश होते हैं। यहाँ पर जो स्किन में ब्लैक पिगमेंट होता है, जिसको मेलेनिन कहते हैं, वो बड़ी कम मात्रा में मिलता है, जिसके कारण ज़्यादातर लोग जो हैं फेयर इन कलर होते हैं और ये श्वेत प्रजाति वाले प्रदेश कहलाते हैं। वहीं कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जिनके जनसंख्या को, जिनकी प्रजाति को पीत वर्ण वाले या मंगोलियाड कहते हैं। ये मूल रूप से मध्य या आप कह लें कि जो हमारा पूर्वी एशिया है, चीन है, मंगोलिया है, उस क्षेत्र में ये मिलते हैं। इनकी आंखें तिरछी होती हैं, इनकी हाइट जो है 1.66 मीटर होती है एवरेज, और आंखें कम खुलती हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी आंखें जो और एरियाज़ के जो पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में थोड़ी अलग बनावट होती है, जिसके आधार पे हम इसको पीत वर्ण वाले या मंगोलियाड रेस के लोग कहते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल जो रेशियल ग्रुप है जिसके हम पढ़ेंगे, वो है काली प्रजाति वाले, यानी निग्रोइड। हम जानते हैं कि मूल रूप से अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी जो क्षेत्र हैं और कुछ एशियाई देश हैं, वहाँ पर निग्रोयाड जो हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलते हैं। ये जो तीन समूह हैं, इनको हमने स्किन कलर के आधार पर क्लासिफाई किया। यही दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित रेशियल सेग्रीगेशन का आधार होता है। और आप पाएंगे कि विश्व में जो ये तीन बड़े कलर के आधार पर रेसिस ग्रुप थे, ये धीरे धीरे दूसरी जगह गए, जिसके कारण इनमें धीरे धीरे परिवर्तन आए। आज अधिकतर जगहों पर जो रेशियल ग्रुप्स हैं उनमें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि वो अब एक क्लाइमेटिक रीजन से दूसरे क्लाइमेटिक रीजन में या तो माइग्रेट कर गए हैं, या क्रॉस ब्रीडिंग के कारण जब एक प्रजाति के व्यक्ति या महिला दूसरी प्रजाति के महिला से शादी कर लेती है, तो वो रेशियल चेंज आ जाते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स में बदलाव आ जाता है। आगे देखें कि ये जो हमारी कलर के आधार पे तीन जो हमने काकेशियाड, मंगोलियाड एंड निग्रोयाड जो हमने रेसिस बांटी हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने बताए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, स्ट्रेचर, हेड फॉर्म, फेस, कलर ऑफ हेयर, आईज, बॉडी बिल्टअप, नोज इंडेक्स या ब्लड ग्रुप्स के आधार पे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने डिस्कस की गई हैं। जो प्राइम क्लासिफिकेशन का आधार था वो था कलर, जिसमें जो काकेशियाड हैं वो वाइट कलर,
मंगोलियाड जो हैं वो येलो कलर और निग्रोयाड जो हैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स इसी कलर को रिजेंबल करती हैं। अब जैसा मैंने पीछे भी कहा था कि हम इस सेगमेंट में देखेंगे कि वर्ल्ड में कौन कौन से जो हमारे रेसेस हैं वो मिलती हैं, इसमें सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर ने जो आधार बनाया है उसके आधार पर हम देखेंगे कि कितने रेशियल ग्रुप्स हैं। तो ग्रिफिथ टेलर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफर हैं जिन्होंने रेस के वर्ल्ड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन और रेस के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योराइज करने की कोशिश की है। ग्रिफिथ टेलर ने जो सेल्फिक इंडेक्स होता है और साथ ही साथ जो बालों की टेक्सचर है उसकी बनावट है उसके आधार पर रेसेस को 7 इम्पॉर्टेंट एरियाज में 7 इम्पॉर्टेंट क्लासेस में बांटा है। तो सबसे पहले है निग्रिटो, जैसा मैंने पीछे भी बताया कि ये इनका जो रंग होता है थोड़ा डार्क होता है, छोटी हाइट के होते हैं, लेस देन 5 फीट जो है इनकी हाइट होती है, इनके होंठ बाहर निकले होते हैं, साथ ही साथ नाक चौड़ी और चपटी होती है। इस तरह के रेशियल ग्रुप्स जो हैं मूल रूप से अफ्रीका में, लैटिन अमेरिकी और कुछ एशियाई देशों में जिसमें मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि शामिल हैं, यहाँ डिस्पर्स्ड हैं। दूसरा जो रेशियल ग्रुप आता है वो आता है निग्रो। ये जो प्रजाति है इसका जो सिर है अत्यंत लंबा होता है, इसके बाल लंबे और वेवी होते हैं, और आप देखेंगे कि इनका जो रंग है वो भूरे से हल्के लाल रंग का होता है, कई बार काला भी मिलता है। ये मूल रूप से अफ्रीका के पश्चिमी भाग में, गिनी के जो तट है वो, इसके अलावा सूडान, पपुआ न्यू गिनी और इन क्षेत्रों में मिलते हैं। भारत में श्रीलंका में जो कोल हैं या जो वेद्दा हैं वो इसी रेशियल ग्रुप से संबंधित हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाड हैं। ऑस्ट्रेलियाड का जैसा मैंने पीछे बताया कि इनका जो सिर है वो लंबा होता है और थोड़ा उभरा होता है, बाल जो हैं घुंघराले और थोड़ा गहरे काले रंग के होते हैं। ये प्रजाति जो है मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया, जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ में मिलती है। अफ्रीका के कुछ प्रदेशों में भी इस तरह की जो हमारी रेशियल ग्रुप है वो देखने को मिलता है। अगला रेशियल ग्रुप है मेडिटेरियन। ये मेडिटेरियन भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में अधिक मिलते हैं, इसीलिए इनका नाम मेडिटेरियन रखा गया है। जो इनका सिर लंबा, नाक अंडाकार और बाल घुंघराले होते हैं, जबड़े थोड़े बाहर निकले होते हैं जिसके कारण इनको आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये मूल रूप से उत्तरी अफ्रीका और जो हमारा मेडिटेरियन सी है उसके आजू बाजू वाले देशों में मिलते हैं। इसके बाद देखें तो एक और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रेशियल ग्रुप है नार्डिक्स का। नार्डिक्स मूल रूप से काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं और इनके वेवी हेयर होते हैं, चपटा सिर होता है, और जिसके कारण जो इनका कलर होता है वो काफ़ी हल्का होता है, भूरा होता है, गुलाबी रंग का होता है। ये मूल रूप से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो नॉर्थ अमेरिका है वो, यूरोप के कुछ प्रदेशों में ये डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। इसके बाद आता है अल्पाइन। अल्पाइन चौड़े सिर वाले होते हैं और चेहरे पर इनका जो है वो नाक जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होती है, बाल सीधे होते हैं, रंग जो है भूरे से गोरा होता है। अल्पाइन मूल रूप से हाईलैंड की जो क्लाइमेट है वहाँ पे पाए जाते हैं, इसमें आर्मेनिया, अफगानी लोग और इनको हम शामिल करते हैं। जब हम आगे देखते हैं तो एक रेशियल ग्रुप है जिसकी काफ़ी बड़ी मात्रा में डिस्पर्सल है, काफ़ी बड़ी मात्रा में ये मिलता है एशिया में भी, लैटिन अमेरिकी देशों में भी। इसको हम मंगोलियन के रूप में क्लासिफाई करते हैं। मंगोलियन, जैसा मैंने पीछे आपको करेक्टरिस्टिक्स में बताया है कि इनकी आँखें थोड़ी कम खुली होती हैं, चेहरा गोल होता है, पतली नाक होती है। ये मूल रूप से मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों में इनका डिस्पर्सल मिलता है। ये आपके सामने ग्रिफिथ टेलर की किताब से लिया गया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैप है जिसमें रेसिस के डिस्पर्सल को दिखाया गया है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि उस ट्राइब का नाम भी लिखा है जो उस रेशियल ग्रुप से बिलोंग करती है। तो आप देख सकते हैं कि जो अफ्रीका है मूल रूप से पूरे अफ्रीका में निग्रिटो और निग्रो की डोमिनेंसी मिलती है। इसके अलावा जो और हमारे जो प्रदेश हैं वहाँ पर फेयर कलर वाले, जैसे अगर हम
यूरोप की बात करें या हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ काकेशिया जो फेयर कलर वाले लोग हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। इसी तरह जो सेंट्रल एशिया है, इंडिया के ऊपर वाला हिस्सा है, इन सभी जगह मंगोलियाड की काफ़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन में ऑस्ट्रेलियाड की भी प्रेजेंस बहुत प्रोमिनेंट है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो रेशियल ग्रुप्स हैं वो वर्ल्ड ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और ग्रिफिथ टेलर की यदि हम बात माने तो इनकी सभी की ओरिजिन जो है सेंट्रल एशिया से हुई और वहाँ से आउटवर्ड माइग्रेट करते करते प्रेजेंट फॉर्म में वर्ल्ड ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। तो इस तरह स्टूडेंट्स, जो आज की हमारी क्लास थी इसमें हमने रेसिस के डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी स्प्रेड और जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके आधार पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं, हमने देखा। अब आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जो आज की क्लास में डिस्कस किए गए हैं, आपको सभी को इनका आंसर देना है। जैसे अगर आप प्रश्न देखें तो बहुत सिंपल से हैं, सभी का उत्तर आपको पीछे प्रेजेंटेशन में मिलेगा। जैसे रेस क्या होती है, या अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न जो है, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स टू क्लासिफाई रेस, जिसको हमने देखा फिजिकल एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। आपको साथ ही साथ बताना है कि क्या रेस जो है कल्चर से जुड़ी हुई शब्द है। साथ ही साथ आपको बताना है कि रेसिस को स्किन कलर के आधार पर कितने रूपों में क्लासिफाई किया जाता है। आपको ये बताना है कि सबसे लास्ट जो ओरिजिन रेस है वो कौन सी मानी जाती है। ये तो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। वहीं जब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप में आपको बताना है कि रेस क्या होता है, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा आपने बताना है कि रेशियल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की ये जो क्लास है आपको समझ आई होगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपके यदि कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो आप इस ईमेल आईडी के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।